ऑलराइट गाइस, तो कैसे आप सब, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पेट सोल्स में। और आज की इस डॉबरमैन की बहुत ही स्पेशल वीडियो में, तो आज की इस वीडियो में हम यूरोपियन डॉबरमैन की प्योरिटी चेक के बारे में जानने वाले हैं कि अगर आप यूरोपियन डॉबरमैन लेने जा रहे हो तो क्या वो प्योर ब्रीड है, ये चेक करने के लिए आज का ये वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यूरोपियन डॉबरमैन की अगर बात करें तो उनका जो चेस्ट होता है वो ब्रॉड होता है, और उनके चेस्ट पर दो मार्क्स होते हैं, वो रेड कलर के हो सकते हैं या फिर टैन कलर के। डॉबरमैन की ईयर ट्रायंगल शेप में होते हैं और हमेशा आगे की तरफ झुके हुए होते हैं। और अगर जो आप कुछ डॉबरमैन देखते हैं उनके जो ईयर्स होते हैं वो एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, उसे जो लोग हैं वो सब क्रॉप करा के लाते हैं। और अगर आप अपने डॉग की ईयर्स क्रॉप भी ना कराएं तो डॉग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जस्ट उनके लुक को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए लोग उनकी ईयर्स को क्रॉप करते हैं। इनके आईज आलमंड शेप के होते हैं और इनका नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल होता है। और अगर आप जब डॉबरमैन को लेने जाएंगे, स्पेशली यूरोपियन डॉबरमैन को लेने जाएंगे, तब उनके साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। जो डॉग आपके साथ अच्छे से खेलता है, आपके साथ अच्छे से घुल मिल रहा है, वही डॉग आप लीजिए, क्योंकि जो डॉबरमैन की लाइफ स्पैन है वो अराउंड 9 to 11 ईयर्स की होती है, और कुछ कुछ डॉबरमैन 15 to 17 साल तक भी रह लेते हैं क्योंकि उनको अच्छे से केयर दी जाती है। तो अगर आपका डॉग इतने साल तक जी रहा है तो आपको ये फ़र्ज़ बनता है कि आप एक अच्छा कंपेनियन आपके लिए चूज़ करें। डॉबरमैन की टेल जो होती है वो इसलिए क्रॉप कराते हैं ताकि डॉबरमैन जो है वो और अच्छे दिखे। और एक रीज़न ऐसा भी है कि डॉबरमैन जो है वो बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग है, और जब वो किसी क्रिमिनल पे या फिर चोर पे अटैक करने जाए तो वो उनकी पूंछ है उनके कान पकड़ के उनको दूर ना कर सके, इसलिए भी उनके जो टेल है और उनके जो कान है वो क्रॉप कराए जाते हैं। यूरोपियन डॉबरमैन का फेस अमेरिकन डॉबरमैन के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड रहेगा, और उनका जो नोज़ है वो पूरा फ्लैट रहेगा। यूरोपियन डॉबरमैन की बॉडी अमेरिकन डॉबरमैन से थोड़ी ज़्यादा मस्कुलर होती है, तो आप ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका अगर डॉग बहुत ज़्यादा पतला है तो वो अमेरिकन डॉबरमैन है। पर कुछ कुछ यूरोपियन डॉबरमैन भी ऐसे रहते हैं जो इतने ज़्यादा मोटे नहीं रहते, उनकी इतने ज़्यादा मसल्स नहीं होते जब वो पपीहुड में रहते हैं, तो आप ये जानकर ज़रूर लीजिएगा कि वो अमेरिकन डॉबरमैन है या फिर यूरोपियन डॉबरमैन। बस इस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो अमेरिकन है या यूरोपियन या फिर वो प्योर ब्रीड डॉबरमैन है या नहीं। अगर आप एक सच्चे डॉग लवर है तो आपको कोई भी डॉग मिल जाए आप उससे उतना ही प्यार करेंगे जितना आप बाकी डॉग से करते हो या फिर कोई भी ब्रीड के डॉग से करते हो, क्योंकि जो डॉग है वो आपके लिए उतना ही लॉयल रहेगा, आपको उतना ही प्यार देगा जितना बाकी डॉग्स देते हैं। जब भी आप डॉबरमैन पपी लेने जाए तो आप ये ज़रूर से चेक कीजिए कि वो हैवी बोन है या फिर लो बोन। अगर आपको हैवी बोन मिल रहा है तो आपको उसके लिए थोड़ा ज़्यादा भी पे करना पड़ सकता है, पर अगर आपको लो बोन मिल रहा है तो उसकी प्राइस अराउंड 12 to 13 हज़ार तक आपको मिल जाएंगी, या फिर उससे भी कम में आपको लो बोन का पपी मिल सकता है। आप हैवी बोन का ही पपी लीजिए क्योंकि उसमें आगे जाकर कोई प्रॉब्लम्स ना आए। डॉबरमैन के नोज़ का कलर और उनके नेल्स का कलर बिल्कुल सेम होता है। अगर आप ब्लैक कलर का डॉबरमैन लेना चाहते हो तो उनकी नोज़ भी ब्लैक ही रहेंगी और उनकी जो नेल्स का कलर है वो भी ब्लैक ही रहेगा। पर अगर आपको रेड कलर का डॉबरमैन लेना है या फिर ब्राउन कलर का डॉबरमैन लेना है तो उनके नोज़ का कलर भी ब्राउन ही रहेगा और उनकी जो नेल्स का कलर है वो भी सेम ब्राउन ही रहेगा। यूरोपियन डॉबरमैन का प्राइस अराउंड 15,000 to 25,000 तक होता है, और इसमें भी आपको कम ज़्यादा पड़ सकता है आपके एरिया के हिसाब से, आपके जो आसपास ब्रीडर्स हैं उनके हिसाब से। तो ये वीडियो में इतना ही, और जल्द ही नई वीडियो आने वाली है क्योंकि आज ही मैं एक साथ दो वीडियोस डालने वाला हूँ, तो आप रेडी रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो बेल बटन भी दबा दो ताकि वो आने वाली वीडियो आपको दिख जाए।